किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, आज ये हम वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जो कागजी नींबू के ऊपर है, और इसमें हम बताएंगे कि वो कौन सी वैरायटियां हैं, कौन सी प्रजातियां हैं जिनसे आपको अधिक आमदनी हो सकती है। किसान भाइयों, आपको याद होगा जो हम मार्च के महीने में CCRI नागपुर और अकोला गए थे, तो हमने आपको 11 वैरायटीज बताई थी। जब हमने इन 11 वैरायटियों को कई सारी वीडियो के माध्यम से किसानों को दिखाया, तो मुझसे कुछ प्रश्न पूछे गए कि हम इन 11 वैरायटी में से कौन सी वैरायटी लगाएं। अब किसान भाइयों, ये मेरे लिए बड़ी दुविधा हुई, क्योंकि जब मैं गया था तो मैं उत्पादन नहीं देख सका कि उस समय कितना उत्पादन था, क्योंकि उस समय कोई भी फसल नहीं थी। तो मेरे साथ जो अनिल यादव जी थे जय हिंद नर्सरी के, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप नवंबर 2019 में जब CCRI नागपुर गए थे, क्या उसकी वीडियो है? तो उन्होंने मुझे अपनी जो रॉ वीडियो थी वो दी। मैंने जो मेरे पास लिटरेचर था, जो मैंने वहाँ से इकट्ठा किया था, जो वैज्ञानिकों से बात की थी, उन सब के निष्कर्ष पर और जो किसानों से बात हुई, इस नतीजे पर पहुँचा कि हम इन 11 में से 3 जो अच्छी वैरायटी हैं, जो अच्छी आमदनी दे सकती हैं, हमने उनका चुनाव किया। अब अच्छी आमदनी से क्या मतलब है? अच्छी आमदनी से मतलब केवल उत्पादन नहीं है, अच्छी आमदनी से मतलब है कि हमें उत्पादन तो मिले, लेकिन हमारे उत्पादन की जो फसल मिलती है उसकी बाजार में मांग हो और हमें भाव अच्छा मिले। अंत जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम आता है, वो आता है कि हमें आमदनी कितनी हुई। इसी चीज को आधार बनाकर हमने इन प्रजातियों का चुनाव किया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने इन प्रजातियों का चुनाव किस प्रकार किया। देखिए, हमने आपको 11 प्रजाति बताई। उन 11 में से एक प्रजाति पहले ऐसी थी जो मैंने देखी थी, वो उसका नाम था चक्रधर। चक्रधर अकेली 11 में से ऐसी प्रजाति थी जिसके पेड़ पर कांटे नहीं होते और जो सीडलेस नींबू है। देखिए, मैं कहता था कि नींबू कभी सीडलेस नहीं होता, लेकिन सीडलेस है ये। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि सीडलेस का मतलब क्या है, कि इसमें नींबू जो 10 वैरायटी हैं उनसे बहुत कम मात्रा में बीज है। चाहे एक है बीज तो अवश्य होगा, लेकिन चाहे एक होगा या दो होगा। दूसरा क्या था कि इसमें कांटे नहीं हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में पहले दिखाया भी था कि चक्रधर का जब जिक्र किया था कि इसमें कांटे नहीं हैं और इस ये सीडलेस वैरायटी है, तो हमने इस वैरायटी को, चूंकि इसका थोड़ा छिलका भी मोटा था, हमने इसको बाहर कर दिया। अब हमारे पास बची 10 वैरायटी। 10 में से 2 वैरायटी जो CCRI की हैं, NRCC 7 और 8, इनकी खोज, जो ये वैरायटी बनाई गई थी, ये 4-5 साल पहले बनाई गई थी। और जब मैंने वहाँ पर वैज्ञानिकों से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये चौथा वर्ष है और इस बार इनका उत्पादन बाजार में आएगा, और उसके बाद हम कह सकेंगे कि हाँ, ये वैरायटी कॉमर्शियल रूप से हम इसको उत्पादन में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और कितना है ये भी हम तभी बताएंगे कि इस बार पहली फसल आएगी जो बाज़ार में होगी। तो हमने इन दोनों वैरायटियों को भी इसमें नहीं रखा। अब हमारे पास बची वैरायटी 8। 8 वैरायटी में से एक वैरायटी ऐसी है जिसे कहते हैं एसिड लाइम। एसिड लाइम का मतलब होता है कि खट्टा नींबू, जिसे हमें कागजी नींबू कहते हैं। हमने इस वैरायटी को दूसरों की तुलना जब की, तो इसका उत्पादन इतना नहीं था, तो हमने इसको भी निकाल दिया। अब हमारे पास वैरायटी बची 7। 7 में से एक वैरायटी का नाम है PKM1, जो मैंने आपको दिखाया था।
ये इन छह वैरायटी की अपेक्षा इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी, तो हमने इसको भी निकाल दिया। अब हमारे पास वैरायटी बची छह। ये छह कौन सी वैरायटी हैं? जो कागजी नींबू, ये सभी कागजी नींबू की वैरायटी हैं, प्रजातियां हैं जो मैं बता रहा हूँ, वे छह हैं। पहली है प्रमालिनी, दूसरी है बालाजी, तीसरी है PDKV बहार जो डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ की वैरायटी है, और चौथी है साई सरबती, और पांचवी है फूले सरबती। फूले सरबती भी अच्छी वैरायटी है, और छठी है विक्रम। अब इन छह में से हमने तीन का चयन किया। अगर आप देखेंगे तो इन सब वैरायटी के बारे में अलग अलग वीडियो जय हिंद नर्सरी ने बनाई है, जो उनकी YouTube चैनल पर देखी जा सकती है। इन छह में से जो हमने तीन वैरायटी चुनी है, उनको जो आधार बनाया है वो सिर्फ ये बनाया है कि नींबू का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, दूसरा उनका छिलका बारीक होना चाहिए, तीसरा उनमें रस की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, और चौथा उनकी बाजार में मांग होनी चाहिए, और पांचवा वो गर्मी में फसल देने वाला होना चाहिए। इन पांच चीज़ों को ध्यान में रखकर जो हमने तीन प्रजातियां चुनी हैं, वे हम आपको अब दिखाएंगे। ये जो पेड़ आप देखेंगे, ये चार वर्ष पुराने पेड़ हैं। तो जो कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि कितने वर्ष बाद फल आता है, तो ये उनके लिए उत्तर है कि ये सब पौधे चार वर्ष के हैं, और जो ये लगाए गए हैं इनकी दूरी 6x3 मीटर पर है और रेजिंग बेड पर है। लाइन से लाइन की दूरी 6 मीटर है और पौधे से पौधे की 3 मीटर है। अब इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि रेज बेड क्या होता है। और जो पानी का इंतजाम है वो ड्रिप के द्वारा किया गया है, जो रिंग बनाकर किया गया है वो ड्रिप के द्वारा किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं ये कौन सी वैरायटी है। हमारी पहली वैरायटी है साई सरबती। इस प्रजाति में फल गुच्छों में न होकर अलग अलग होता है, और यह प्रजाति बाजार में बहुत अधिक पसंद की जाती है। इसके पौधों का फैलाव अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक होता है, और यही कारण है कि इसमें फलन बहुत अधिक मात्रा में आता है। यह पौधा केवल 4 वर्ष का है, और आप देखिए इसमें कितनी मात्रा में फल आया हुआ है। अपने अच्छे उत्पादन, फलों की गुणवत्ता और बाजार में अच्छा भाव मिलने के कारण यह प्रजाति नींबू की बागवानी करने वाले कृषकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके फलों का मध्यम आकार भी इसे किसानों के बीच अधिक लोकप्रिय बनाता है। हमारी दूसरी वैरायटी है PDKV बहार। इसके पौधों का फैलाव साई सरबती की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें फलन बहुत अधिक मात्रा में लगता है।
क्योंकि इसका फल बहुत टिकाऊ होता है, इसलिए इसे बहुत दूर दूर के बाजारों में आसानी से बेचा जा सकता है। इसका फल चिकना और चमकदार होता है तथा इसका छिलका बहुत बारीक होता है, इसलिए यह भी बाजार में बहुत पसंद किया जाता है। छिलका पतला होने के कारण इसमें रस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमारी तीसरी प्रजाति है बालाजी। यह भी कागजी नींबू की ही एक प्रजाति है। इसके फल भी मध्यम आकार के होते हैं, लेकिन उत्पादन अन्य प्रजातियों की अपेक्षा अधिक पाया गया है। इसका फल पकने के बाद जमीन पर बहुत कम गिरता है। इस प्रजाति के 4 साल के पौधे की हाइट लगभग 7 फीट है। इस प्रजाति का नींबू भी मध्यम आकार का होता है, परंतु इसका छिलका अन्य दोनों प्रजातियों से थोड़ा मोटा होता है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमने आपको 3 प्रजातियां सजेस्ट की हैं, जो हमने 11 प्रजातियों में से चुनी है, और हमने इनका क्या आधार बताया वो भी बताया। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आप भी कोई भी प्रजाति लगाने से पहले थोड़ा अपनी संतुष्टि कर लें। आप CCRI की वेबसाइट जाएं, आप दक्षिण भारत में किसानों से पता करें, उन किसानों से पता करें कि जो इन वैराइटीज़ को लगाते हैं। आप गुजरात में भी पता कर सकते हैं, लेकिन गुजरात में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर कोई भी ये नहीं बताएगा कि ये प्रजाति है। वो सिर्फ कहते हैं कागजी नींबू है, बहुत अच्छा नींबू है वहाँ पर भी। खैर, चलिए, मेरा काम था आपको शिक्षित करना, आपको सूचना देना, आपको सही बात बनाना। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।